दोस्तों, सांपों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में काले और जहरीले जीव की छवि बनती है, जो कि अपने जानलेवा जहर के लिए जाने जाते हैं। सांप और इंसानों के बीच आमना सामना होना एक आम बात है, जिसके कारण इंसान इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। पर दोस्तों, हम सांपों के बारे में जितना जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा सांप इस धरती पर मौजूद है और एनिमल किंगडम में अपना स्थान बनाए हुआ है। तो आइए जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे अजीबोगरीब सांपों के बारे में। नंबर 1, मलागासी लीफ नोज स्नेक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस सांप का नाम इसके नाक के आकार वाले मुंह के कारण पड़ा है, जो कि नर में मादा के मुकाबले ज्यादा नुकीला होता है। इस सांप का रंग और इसके शरीर की बनावट इस सांप को छलावरण में माहिर एक बेहतरीन एम्बुश प्रेडेटर बनाता है, जो कि अपने शिकार के पास कब चला आता है उसे पता भी नहीं चलता। दोस्तों, यह सांप मुख्य रूप से मेडागास्कर में पाया जाता है। नंबर 2, दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है फ्लाइंग स्नेक। आज दुनिया भर में फ्लाइंग स्नेक की 5 प्रजातियां पाई जाती है, जो कि इंडिया से लेकर इंडोनेशिया तक पाई जाती है। और अपने नाम के अनुसार ही यह एक बेहतरीन ग्लाइडर होता है, जो कि पेड़ की ऊंचाइयों से जमीन को निहाना पसंद करता है और शायद ही किसी खास मौके पर जमीन पर उतरता है। फ्लाइंग स्नेक एक बेहतरीन क्लाइंबर भी होता है। यह पेड़ पर तब तक चढ़ता है जब तक इसकी पूंछ पेड़ की शाखा के अंत से लटक नहीं जाती। अपने शरीर को जे शेप में बनाकर यह अपने आसपास की चीजों को निहारता है। वहीं उड़ने के लिए यह एस शेप की आकार बनाकर अपने शरीर और अपने दिशा को नियंत्रित करता है। दोस्तों, यह सांप 2 से 4 फीट का होता है और यह एक माइल्ड वेनमस सांप है। नंबर 3, डिजर्ट हॉर्न वाइपर। दोस्तों, यह सांप उत्तरी अफ्रीका का एक मूल सांप है, जो कि 49,000 फीट की ऊंचाइयों तक पाया जाता है। डिजर्ट हॉर्न वाइपर औसतन 12 से 24 इंच तक का होता है और ज्यादा वयस्क होने पर यह 33 इंच तक का होता है। दोस्तों, इस सांप को खास बनाती है इसकी सींग, जो कि इसके आंखों के ठीक ऊपर मौजूद होते हैं। अन्य सांपों की तरह यह सांप भी एक बेहतरीन एम्बुश प्रेडेटर होता है, जो कि घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करता है और सही समय आने पर उस पर हमला करता है। यह सांप छिपकली चूहे और पंछियों को अपना शिकार बनाता है। नंबर 4, टेंटेकल स्नेक। दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला यह एक मूल सांप है, जो कि 20 से 35 इंच तक का होता है और यह एक माइल्ड वेनमस स्नेक है। इसके मुंह पर बने टेंटेकल इस सांप को दुनिया में और सांपों से अलग बनाती है। दोस्तों, यह विचित्र सा दिखने वाला सांप अपना पूरा जीवन पानी में ही गुजारता है। गंदे स्थिर पानी या फिर धीमे जलधारा वाले स्थानों पर रहना पसंद करता है और अपना आहार मछलियों को बनाता है। शरीर की बनावट परिवेश में इसको कहीं गायब कर देती है, जो इसे छलावरण में माहिर बनाता है। अपने शरीर को जे शेप में बनाकर यह अपने शिकारी का इंतजार करता है और इन सांपों में शिकारी की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने की जन्मजात शक्ति होती है, जिस कारण शिकार इससे बच नहीं पाते। नंबर 5, बार्बाडोस थ्रेड स्नेक। अर्थवॉर्म जैसा दिखने वाला यह सांप दुनिया के सबसे छोटे सांपों में आता है। इस सांप की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक ही होती है और अपने छोटे आकार के कारण यह अपना मुख्य आहार छोटे कीड़े मकोड़ों को ही बनाता है। थ्रेड स्नेक एक बार में बस एक ही अंडा देती है और इसकी संतान अंडे से निकलने के बाद इस सांप का आधा होता है, जबकि अन्य सांपों में संतान अपनी माँ के शरीर का लगभग 10वां हिस्सा होती है। दोस्तों, नूडल्स जैसे दिखने वाले इस सांप को पहली बार 2008 में खोजा गया था, जिसके कारण इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।